नमस्कार, यदि आप भी अपने पैन कार्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट एंड मेल पाल है। आपके जो मेन क्वेश्चंस हैं वो जॉब, फॉरेन सेटलमेंट, फाइनेंशियल कंडीशन, शादी, स्ट्रगल, हेल्थ, इन सब से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आपकी भाग्य रेखा को देखा जाए तो भाग्य रेखा आपकी पूरी की पूरी केतु पर्वत से चली है। तो बचपन की जो आपकी बेसिक नीड है, ज़रूरत की चीज़ें थी, वो है आपकी पूरी हो पाई हैं। एक रेखा आप मान सकते हैं यहाँ से चंद पर्वत से आके मिल गई है आपकी भाग्य रेखा में ही। चंद पर्वत से जब भी कोई भाग्य रेखा मिलती है तो ऐसे लोगों का भाग्य होता है घर से दूर हो पाता है। अब चाहे आप घर से दूर जाकर कुछ जॉब करें या फिर घर पर ही रहकर कुछ ऐसी जॉब हो आपकी, या फिर आप समझ सकते हैं कि जो आपकी कंपनी हो जिसमें आप जॉब कर रहे हैं वो फॉरेन कंपनी हो, वहां से इनकम आए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आगे की स्थिति अच्छी नहीं है, फेड हो गई है ये, और करीब करीब 40 वर्ष तक ये फेड ही है, 40 नहीं उससे भी ज़्यादा। तो समझ सकते हैं कि समस्या फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड रहेगी। इसको मजबूत करने के लिए आपको उपाय ज़रूर करने होंगे। एक बार को भाग्य रेखा नहीं होती तब भी ये अच्छी स्थिति ही मानते, लेकिन भाग्य रेखा टूट जाए या फिर इस प्रकार से फेड हो जाए तो यह अच्छी बात नहीं होती है। इसके लिए उपाय ज़रूर ही ज़रूर आपको करने होंगे, तभी यह स्थिति सुधर पाएगी। अगर आपका जो क्वेश्चन था शादी से रिलेटेड उस पर चलते हैं, जुपिटर माउंट आपका नॉर्मल है बिल्कुल। वीनस माउंट की तरफ हम चले तो वीनस की स्थिति भी ठीक ठाक नज़र आ रही है। देखिए, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं आपके जीवन में भी आ सकती हैं, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज को ये दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। जुपिटर को ठीक करने के लिए उपाय ज़रूर करने ही करने होंगे आपको। अगर देखा जाए आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग, देखिए आपकी हार्ट लाइन डिस्टर्ब है, माइंड लाइन की भी स्थिति इसी प्रकार से है और लाइफ लाइन भी इसी प्रकार से है। इनर मार्स आपका नॉर्मल है, उतना अच्छा नहीं है, अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन बुढ़ापे में जाके हेल्थ के रिलेटेड आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना ही होगा और हेल्थ का भी ध्यान आपको रखना ही रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी से अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे तो आगे जाके हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। लिटिल फिंगर की तरफ हम चले तो लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के फर्स्ट प्लेन तक पहुंच पा रही है। ये दर्शाती है कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कि चीज़ों को मैनेज करके रख पाना, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब में आप अच्छे हैं। टाइम का मैनेजमेंट भी आपका काफ़ी अच्छा है, टाइम की वैल्यू आप समझते हैं। मर्क्यूरी माउंट की स्थिति देखी जाए तो मर्क्यूरी माउंट आपका अच्छा नहीं है, ये दर्शा रहा है। देखिए, शायद आपने पूछा था कि बिजनेस आपको करना चाहिए या नहीं, आपके लिए बिजनेस नहीं है क्योंकि बुध रेखा बन भी रही थी तो टूट गई है। मर्क्यूरी भी आपका अच्छा नहीं है, तो जो आप जॉब कर रहे हैं आप उसी में आगे बढ़िएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स एक बार को आपकी वर्क प्लेस पर अच्छी हो, लेकिन घर में या फिर फैमिली वाइज, फैमिली के अकॉर्डिंग मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही है। बात को किस तरीके से कहना है सही समय पर, वह आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सन माउंट की स्थिति देखें तो सन माउंट भी आपका दब गया है। देखिए, एक बार को रेखा कितनी भी स्पष्ट हो या ना हो, लेकिन माउंट दबा हुआ नहीं होना चाहिए। वह उस जब भी कोई माउंट दब जाता है उसके प्रभाव में कमी दिखाता है। वो आपके पास में सन माउंट दबा हुआ है, ये रेखा सूर्य रेखा काफ़ी मजबूती से चली थी लेकिन ये कट गई है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपने पिता से सुख में कमी देखने को मिली हो, या फिर जीवन में एक बार डीफेम या लॉस होने के भी चांसेस को ये दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके लिए आपको उपाय ज़रूर करने चाहिए सूर्य को मजबूत करने के लिए। यहाँ पर एक शिक्षा रेखा भी है, इसका मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन नॉलेज अच्छी होती है। बुढ़ापे में जाकर इस प्रकार की स्थिति होगी कि लोग आपसे परामर्श लेने ज़रूर आएंगे और आपका जो परामर्श होगा, ओपिनियन होगा, आइडिया होगा, कोई राय होगी, तो वह दूसरे व्यक्ति के काम आने वाली होगी। शनि पर्वत की स्थिति दिखा रही है कि रोजगार के लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके रोजगार के ही कारक हैं, इसलिए ये फ्लैट हैं और उसमें संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। सफलता देखिए आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए संघर्ष भी है, परेशानियाँ भी हैं, कठिनाइयाँ भी हैं। जुपिटर माउंट आपके नॉर्मल है, एक रेखा मुझे इस प्रकार से जाती हुई नज़र आ रही है। देखिए, जब इस प्रकार का साइन होता है ये दिखाता है कि ऐसे लोगों का ध्यान रहस्यमय विद्याएं हैं, एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, काफ़ी सारी रहस्यमय विद्याएं हैं, उन सब के फील्ड में आपका ध्यान ज़रूर जाएगा। यहाँ पर कैसे ना कैसे करके एक ट्राइंगल भी बन गया है, तो ये दर्शा रहा है। देखिए, जुपिटर माउंट जो है वह दिखाते हैं आपकी फैमिली को, या फिर आप समझ सकते हैं आपके नेचर को और आपकी नॉलेज को।
इन सब में आपको अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये साइन है तो इनके गुणों को ये बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी मैं यही कहूंगी कि जुपिटर माउंट हल्का सा वीक है, तो इसके लिए उपाय जरूर कीजिएगा। नॉलेज आपकी अच्छी रहेगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ या फिर धार्मिकता की तरफ भी आप धीरे धीरे बढ़ेंगे। यदि आप किसी व्यक्ति को परामर्श देंगे या फिर लोगों की मदद करेंगे, गरीबों का भला करेंगे, चाहे दान करके करें या फिर वस्त्र दान करें, इस प्रकार की चीज़ों से आपके जुपिटर माउंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रभाव देने लगेंगे। बाकी प्रॉपर रेमेडीज हम आपको वीडियो देखने के बाद तुरंत व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगे। आउटर मार्स की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर इस प्रकार की रेखा आपको नजर आ रही होंगी, ये अच्छी नहीं है। ये शत्रु रेखा होती हैं और ये इस प्रकार की हैं, ये दिखा रही है कि जीवन में आपको इनसे हानि होने के भी योग रहेंगे। अब वो शत्रु आपके चाहे गुप्त शत्रु हों या वैसे हों, लेकिन उनसे हानि होने के भी योग हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, शत्रुता मत रखिएगा किसी से, लड़ाई झगड़े में भी मत पड़िएगा, आपको ही हानि होने के योग रहेंगे। जितना काम आपसे शांति से बन सके उतना ही करके देखिएगा और शांति से काम लीजिएगा। इन सब की तरफ, लड़ाई झगड़े की तरफ मत जाइएगा, कम कोशिश कीजिएगा इन सब तरफ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। चंद्र पर्वत की ओर चलें तो मुझे काफ़ी सारी मल्टीपल ट्रेवलिंग लाइन्स भी दिख रही हैं और क्रॉस का साइन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी बनी रहेगी, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डार्क है। तो मानसिक तनाव, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम चाहे वर्कलोड को लेकर ही रहे, लेकिन रहेगी। इसके लिए साधारण सा उपाय यही है कि सुबह सुबह उठकर 15 मिनट आप योगा और मेडिटेशन कीजिए, काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले रहेंगे। वीनस माउंट की तरफ देखें हम तो आइए, दिखा रही है लाइन आपकी कि सुख सुविधाओं की चीज़ें, जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अच्छे से रहना, अच्छे कपड़े पहनना, इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जरूर जाने वाला रहेगा। बाकी वीनस माउंट आपके नॉर्मल है, इनर माउंट आपके किसी कंडीशन में नहीं है। फिजिकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा आपकी नॉर्मल रहेगी। बुढ़ापे में जाकर पीठ दर्द, कमर दर्द, घुटनों की समस्या आ सकती है, तो हेल्थ की तरफ भी थोड़ा बहुत कॉन्शियस रहिएगा आप। जीवन रेखा की तरफ हम चले तो जीवन रेखा काफ़ी ज़्यादा मोटी है, ट्रेवलिंग लाइन भी हैं और राहु रेखाओं के बार भी। तो राहु रेखा जब जब जीवन में आएंगी, हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज आते ही आते हैं। उपाय करने पर इनका जो प्रभाव होता है धीरे धीरे कम हो जाता है, उपाय जरूर करिएगा। स्टार्टिंग में बंधन योग है तो बचपन उस प्रकार का आपका नहीं गया है जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन रही है। जैसे कि कुछ ना कुछ समस्या आती रहती हैं, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो आपकी, या फिर पढ़ाई में कुछ परेशानी आ जाना, इस प्रकार की चीज़ें आती रहती हैं। माइंड लाइन आपकी झुकती चली गई है, उम्र के बढ़ते बढ़ते आप धार्मिक होते जाएंगे, परमात्मा पर विश्वास आपका बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और आप हो सकता है कि दान दक्षिणा जैसे कार्य भी करें आगे जाकर, चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, इस प्रकार की चीज़ों में भी आप पार्ट ले सकते हैं। लाइफ लाइन तो हो गई है आपकी। हार्ट लाइन की तरफ हम चले तो हार्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा मोटी है। आपका जो बिजी शेड्यूल होगा उसकी वजह से पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो सकता है। दूसरा, माइंड हार्ट लाइन मोटी भी है तो समझ सकते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, खासकर हार्ट से रिलेटेड समस्याएं बुढ़ापे में जाकर, जैसे कि बीपी है, डायबिटीज की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, ये आपको परेशान कर सकती हैं। तो उपाय तो मत कीजिएगा, लेकिन हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहिएगा। सुबह सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बाहर जाके घूमिए, हो सके तो चीनी का सेवन या फिर ऑयली फूड, फास्ट फूड का सेवन कम कर दीजिएगा। यहाँ पर जाकर मुझे एक विष्णु सिंबल दिख रहा है। देखिए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत होता है, अपार संघर्ष होता है करियर से रिलेटेड। जो आपको सफलता मिलेगी वो एकदम से नहीं मिल पाएगी, उसके लिए संघर्ष और कठिनाइयां अधिक होंगी, लेकिन जब सफलता मिलती है तो काफी अच्छे लेवल पर जाकर मिलती है। इसीलिए जो भी काम कीजिएगा आप, उसमें एकदम से जल्दबाजी मत मचाइएगा, उसको एक्सपीरियंस के साथ ही कीजिएगा। बाकी विष्णु सिंबल है, ये दर्शाता है कि आपके जो आराध्य हैं, इष्ट देव हैं, वो श्री हरि नारायण हैं। उनकी शरण में अगर आप जाएंगे तो काफी अच्छे परिणाम आपको यहाँ से मिलने वाले रहेंगे। देखिए, मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पाम की हाईलाइट क्या है, आपको रेमेडीज किस किस चीज की करनी होंगी। देखिए, आपके पाल में भाग्य रेखा में थोड़ी सी कमी देखने को मुझे नजर आई। भाग्य रेखा आकर जाकर मजबूत नहीं है, राहु रेखाएं भी हैं और सूर्य पर क्रॉस है, तो ये साइन अच्छे नहीं माने जाते हैं। इनके लिए आपको रेमेडीज करनी ही करनी होगी। काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट भी मुझे यहाँ पर इस पाल में नजर आए, काफी अच्छे भी हैं और काफी ज्यादा नेगेटिव भी हैं। यदि आप नेगेटिव चीजें जो हैं उनके लिए अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आगे जाके आपको कुछ भी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। तो आप रेमेडीज जरूर कीजिएगा, खासकर
सूर्य पर्वत को ठीक करने के लिए, फेट लाइन को और राहु रेखाओं के लिए। सबसे पहले आप इन्हीं उपायों को कीजिएगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको सन माउंट से रिलेटेड फेट लाइन और राहु रेखाओं के लिए उपाय बताए हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चंस थे वो मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व करने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि मैंने अपने वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। जो आपके बचे हुए डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, जो रह गए होंगे, आप नहीं समझ पाए हैं, वह आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। हम आपको एंड में सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।